उसके बाद ईद है, शायद हमें फिर दोबारा इस तरह की मीटिंग मुनक्कद करने का मौका ना मिलता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने बड़े जोश व खरोश के साथ बड़ी तादाद में आपने इंतहाबी मुहिम चलाई है, लेकिन आप ज़्यादा वक्त नहीं बचा, कुल 10 दिन है। लेकिन अगर ये सोचे कि मैं 3 दिन बाहर हूँ, फिर ईद है, तो बहुत थोड़े दिन बचते हैं। एक तो आपको ये बताना है कि ये जो दिन बचते हैं, ये आपने डोर टू डोर अपने अपने सेक्टर में हर जगह जाके कंपेन करनी है, और ये जो कंपेन होती है ये सिर्फ 20 फीसदी होती है, 80 फीसदी जो काम होता है वो इलेक्शन वाले दिन होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आप इलेक्शन वाले दिन के लिए तैयार हैं, वहाँ पर आपने जो नौजवानों पर मुझे पूरा इत्माद है कि वो इंशाल्लाह वोट पोल कराएंगे। मसलन इमरान खान साहब आ रहे हैं, हो सकता है 50,000 लोग हों, लेकिन वो 50,000 वोट नहीं होती, वोट वही होती है जो बक्से से निकलती है। तो मैं आज का जो इलेक्शन बड़ा टेक्निकल हो गया है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप चूंकि पढ़े लिखे भी हैं, आप लोग जवान भी हैं, आप लोगों में सलाहियतें भी हैं, आप इन मामला को समझते भी हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इलेक्शन वाले रोज वोटर फहरिस्तें भी उससे पहले देखें, उससे पहले आप पोलिंग स्कीम भी देखें, और फिर उस दिन कौन पोलिंग एजेंट होंगे, किन लोगों ने बाहर तो चिट्ठे काटनी है, रहनमाई करनी है, और किन नौजवानों ने घरों से लोगों को निकाल के पोलिंग स्टेशन पर लाना और फिर बाइज़त तरीके से उनको वापस छोड़ना है। और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये नौजवान अपना काम करेंगे, और उसके बाद इलेक्शन जीत के आपने फिर मरकजी सेक्रेटेरिएट आना है, और वहाँ पर इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे।